हेलो एजेंट, आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल राज्य जो है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च किया है, करने जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन माइक्रोसाइट्स लॉन्च कर रहा है। इस माइक्रोसाइट्स के माध्यम से धार्मिक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा और यह माइक्रोसाइट अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट का जो बजट है 61.36 लाख रुपए है, जो कि केरल राज्य के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर दो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 70। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। 28 जो देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए दुनिया के समझौते पर पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया। पहले AI सेफ्टी समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम के बेले चले पार्क में आयोजित किया गया है। बैठक में जो है 27 अन्य देशों ने और यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के AI सुरक्षा पर दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर तीन, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा जो है बी वाला सही हो जाएगा, चेन्नई में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन से 2 से 4 नवंबर 2023 तक जो है इसका आयोजन किया गया है। और विषय इसकी क्या थी? तो विषय 2023 में मेक इन इंडिया मेक फॉर द इसकी विषय थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर चार, श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, सी स्मृति ईरानी, डी निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया गया इनके द्वारा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा उपस्थित थे। SBI के प्रयासों की बदौलत भारत सरकार श्रीलंका को $1 बिलियन जो कि ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जो है सक्षम रही है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर पाँच, हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए या जीम प्रेम जी, अभी ऑप्शन मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन सी शिव नादर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, शिव नादर जो है हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर हैं शिव नादर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। HCL टेक के संस्थापक शिव नादर एंड फैमिली ने हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए का दान दिया है। और विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी एंड फैमिली ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान जो है हासिल किया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर छः, लीला
ओम चेरी का निधन हो गया वह कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीतकार, ऑप्शन सी समाजसेवी और ऑप्शन डी अभिनेत्री। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नीला ओम चेरी का निधन हो गया जो कि एक शास्त्रीय संगीतकार थी और यानी कि संगीतज्ञ थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नीला ओम चेरी का नई दिल्ली में निधन हो गया, वह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। उन्होंने लोकगीत सोपान संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में काम किया है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2005 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें 2005 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, इनगो रैप को किसके द्वारा जो है तैयार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, डी संस्कृति मंत्रालय। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इनगो रैप को जो है तैयार किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनगो रैप तैयार किया है। भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे जो है लॉन्च किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन, इसकी जांच, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम, डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी और इसके माध्यम से उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में मदद मिलेगा इसके द्वारा, जो कि निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायान शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है कोलकाता, बी कटक, सी मुंबई, डी विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, मुंबई से। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने घरेलू नौकायन शुरू किया है मुंबई में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोस्टा सेरेना। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने 3 नवंबर को मुंबई में घरेलू नौकायन शुरू किया है। इसका शुभारंभ जो है केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। कोस्टा क्रूज को अगले 2 महीनों की यात्रा में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। यह क्रूज पर देखो अपना देश का हिस्सा है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए साइमा वाजिद, बी संजय कुमार जैन, डी सी संजय कुलश्रेष्ठ और डी मनोरंजन मिश्रा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मनोरंजन मिश्रा को जो है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे और ये 3 विभाग जो है प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और महानिवेश एवं संचालन विभाग, इनके जिम्मे होगा। यानी 3 विभाग ये देखेंगे। उनकी नियुक्ति जो 1 नवंबर 2023 से प्रभावी की गई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप और ऑप्शन डी RBI। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी है जो कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस ज्यूरिख इंश्योरेंस कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 4,501 करोड़ रुपये का जो है निवेश करने के लिए तैयार है, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।